हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नंदा किचन। आज मैं आपको शेंगदाने के लड्डू दिखा रही हूँ। तो पंचमी के लिए मैंने बनाया है, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चले देखते कैसे करना है। तो यह मैंने सेम जिस बाउल से शेंगदाने लिए उसी बाउल से गूंद लिया है। दोनों सेम मेजरमेंट है और आधा बाउल उतना घी लिया है। तो हम पहले गुड़ को घी डाल के पिघल लेना है, तो उसमें पानी नहीं डालना है। थोड़ा एक आधा बाउल उतना घी डाल के उसको पूरा उसमें पिघलने तक उसको गर्म करना है। ज़्यादा भी नहीं उबालना है, सिर्फ उसको अच्छे से पिघल के थोड़ा सा गर्म होने के बाद उसको गैस बंद करके वो हम शेंगदाने डालना है। तो देखिए मैंने यहाँ घी डाला है और उसको उबाल रही हूँ। ये सब घुटलिया जाना चाहिए, तब तक उसको गर्म करना है। तो देखिए ऑलमोस्ट सब घुटलिया गए, अब कितना सॉफ्ट पेस्ट हो गया है। अब हम इसमें शेंगदाने डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा हमारा पाक रेडी हो गया है। अब इसमें मैं वो शेंगदाने डालूँगी। शेंगदाने मैंने गरम करके पूरे उसके ऊपर के छिलके निकाल के उसके दाने दाने कर दिया है। अब हम अच्छी तरह से हिला के इसको ठंडा होने तक बाजू रखेंगे। एक 15-20 मिनट में वो ठंडा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ कितना वो थिक हो गया है। अब हम हाथ को थोड़ा सा घी लगा के इसके लड्डू बनाएंगे, यानी हाथ को चिपकेगा नहीं। तो यह देखिए, घी लगा रही हाथ को और इसके लड्डू बनाऊंगी। बहुत ही फास्ट और जल्दी होता है फ्रेंड्स, ये इतना ईजी है। आप बहुत ही 10-15 मिनट में लड्डू बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। आप भी बना के देख सकते हो और आपको आया है नहीं कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फ्रेंड्स।